ये आदमी नदी के किनारे मछली पकड़ रहा होता है और तभी उसे नदी के किनारे एक मछली दिखती है और यह आदमी जैसे ही उस मछली को पकड़कर बाहर निकालता है तो यह मछली बहुत ही अजीब तरीके से अपने शरीर में हवा भरकर अपने शरीर को फुलाने लगती है। दरअसल इस फिश को पफर फिश कहते हैं और इसे जैसे ही खतरा महसूस होता है तो अपने शरीर को इस तरीके से फुला लेती है। देखो जहाँ इंडिया में लोग नॉर्मल एग को खाते हैं लेकिन वही चाइना में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, बल्कि वह लोग मुर्गी के अंडे को सबसे पहले दही में डुबा लेते हैं, फिर इसके ऊपर से कुछ इस तरीके से रेतीली मिट्टी लगा देते हैं और ऐसे ही एक महीने के लिए रख देते हैं और फिर यह लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इस तरह के अंडे को खाने से वह हेल्दी रहते हैं।